पहला क्या पढ़े? असुर। अब एक ही पढ़े हैं, अब उधर पढ़ लिए संथाल, उराव, मुंडा, खड़िया, खेरवार। संथाल, उराव, मुंडा, हो, खड़िया, खेरवार, छह पढ़ लिए और एक क्या पढ़ लिए? असुर। अभी पीवीटीजी का आठों पढ़ेंगे, पार्टिकुलरली वनरेलेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब आदिम जनजाति। ठीक है, आदिम जनजाति के लिए हमारे झारखंड में एक स्पेशल योजना चलता है, उसका नाम है डाकिया योजना। कौन सा योजना? हाँ, डाकिया योजना। होता क्या है? 35, एक किलो बढ़ाना नहीं है। क्या होगा? घर के डोरवे में जाकर हम लोग क्या करते हैं, राशन दुकान जाना पड़ता है, तब आपको क्या मिलेगा? राशन मिलेगा। उन लोग को कहा गया कि आपको राशन दुकान आने का भी जरूरत नहीं है, आपके घर में खुद ब खुद एक आदमी जाएगा और वहां जाके राशन रख के आ जाएगा। कौन सा योजना? डाकिया योजना। किस जनजाति के लिए? आदिम। आदिम मतलब एकदम पिछड़ा हुआ, जो अभी भी कहां निवास कर रहे हैं? जंगल में। और वैसे कितना है झारखंड में? कौन? बिरोर, बिजा पहाड़िया, सोरैया पहाड़िया और सबर, कोरबा और सबर। चलो, तो आज हम लोग उसी में से एक पढ़ने वाले हैं, बिरहोर। बिरहोर कल कौन कौन जनजातीय महोत्सव में गए थे? आप लोग को छुट्टी मिला था ना कल जनजातीय महोत्सव के लिए? अब तो खत्म हो जाएगा फिर। अच्छा, अभी है? नहीं, आज तो खत्म हो जाएगा शायद, फंक्शन आज खत्म हो जाएगा, है ना। और इस फंक्शन का सबसे खाने का मेन थीम क्या रखा गया है? धुसका और गुलगुल्ला, है ना, साथ में मड़वा रोटी, ये सब को रखा गया मेन थीम में। खाएं आप लोग ना? लेकिन झुसका को धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं कि क्या हो जाए, आगे बढ़े। ठीक है शान, चलो लिखो। अब इधर वर्ड क्या मिला? बीर होर। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है बीर, एक है होर। याद रखेंगे, बीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल। याद करो, बीर सरेन जंगल का गीत, और दोंग विवाह गीत किसका? संथाल का। तो बीर मतलब क्या होता है? जंगल। और होर मतलब इंसान, व्यक्ति। होर का मतलब क्या होता है? इंसान, यानी कि व्यक्ति। तो दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? जंगल का आदमी, बिर होर। बिर होर का मतलब क्या हो गया? क्या लिख लेना है? जंगल का आदमी। किसका? हाँ, जंगल का आदमी। नहीं नहीं क्या लिखेंगे हम लोग? जंगल का आदमी। वीर मतलब जंगल और होर मतलब इंसान या व्यक्ति। तो पूरा मतलब क्या हो गया? जंगल का आदमी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि बिरहोर झारखंड की एक विलुप्त प्राय आदिम जनजाति है। मतलब धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, पूरा गायब हो जा रहा है, एकदम विलुप्त हो रहा है। बिरहोर झारखंड की एक विलुप्त प्राय क्या है? आदिम जनजाति है, मतलब पीवीटीजी, आदिम जनजाति है। बिरहोर झारखंड का क्या है? एक विलुप्त प्राय आदिम जनजाति है, जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं। प्रजाति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है।
शारीरिक बनावट के आधार पर हम लोग कैटेगराइज करें तो ये क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायट। प्रजाति के दृष्टिकोण से ये क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायट। इसका मतलब क्या हुआ, शारीरिक बनावट के आधार पे ये जिस जाति में आते हैं, कौन से जाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलायट। हम लोग देख ही रहे हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलायट, घुंघरालू बाल है कि लंबे बाल है, नाक चपटे हैं कि उठे हुए हैं, गाल धसे हुए हैं कि नहीं है, इस तरह के मतलब जो शारीरिक ढांचा है, लंबाई कैसा है, कंधा किस शेप का बनेगा, चेहरा किस शेप का होगा, इन सबको बेस बनाकर इनको किस में रखा गया है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायट में रखा गया है। इनकी जो भाषा है वो है बिरहोरी भाषा। इनकी भाषा क्या है, बिरहोरी। अब इसका कोई लिपि नहीं है क्योंकि हम लोग को समझ भी नहीं आएगा, लिपि का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। जब इतना कम लोग बचा हुआ है तो आपस में ये लोग भी एकदम, जब कोई एकदम इंटेंस बात करना है तो बिरहोरी में बोलता होगा, बाकी क्या बोलता होगा, नागपुरी, सदानी, खोटा, ये सब बोलता है। इसका मतलब इसकी भाषा क्या है, बिरहोरी। बिरहोर जनजाति की भाषा लिख लेंगे, क्या है, बिरहोरी भाषा। पूछेगा एग्जाम में बिरहोर जनजाति कैसी भाषा बोलती है, बिरहोरी भाषा, बिरहोरी भाषा लिख लिए हम लोग। अब देखिए यहां पे ये भी तो किसी ना किसी भाषा परिवार का होगा, तो ये किस भाषा परिवार का है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। जैसे इंसान है तो इंसान किस प्रजाति का है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायट। वैसे जो बिरहोरी भाषा है वो किस परिवार से है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, मिलता जुलता है, यस। कुडुख भाषा किससे था, द्रविड़ भाषा परिवार से था, और हो भाषा मुंडारी भाषा परिवार से था, है ना। क्या हो गया, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से बिलोंग करता है बिरहोरी भाषा। किस जनजाति की भाषा है, बिरहोर जनजाति की भाषा है। बिरहोर जनजाति की भाषा क्या है, बिरहोरी भाषा, जो किससे बिलोंग करेगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से। अब आता है कि सर बिरहोर जनजाति जो विलुप्त प्राय जनजाति है, झारखंड में किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो झारखंड में ये लोग बेसिकली उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। क्या लिखेंगे, ये किधर रहते हैं, उत्तरी छोटानागपुर, एकदम। अब उत्तरी छोटानागपुर मतलब कौन कौन सा आ जाएगा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, ये सब आएगा ना, उत्तरी छोटानागपुर। बेसिकली प्रमंडल बोलेगा तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा संकेंद्रण हजारीबाग जिला में। क्या कह रहे हैं, प्रमंडल बोलेगा तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, और संकेंद्रण कहेगा तो हजारीबाग। संकेंद्रण कहां पे इसका, हजारीबाग। प्रमंडल कौन सा, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, है ना, और जिला बोलेगा तो हजारीबाग। सबसे ज्यादा कौन जनजाति पाया जाएगा, बिरहोर जनजाति। एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि बिरहोर जनजाति का संकेंद्रण किस जिला में है, हजारीबाग। किस क्षेत्र में है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। अब दो तरह का बिरहोर, मतलब बिरहोर पाया जाता है, एक का नाम है उल्तू बिरहोर और एक का नाम है जांघी या थनिया बिरहोर। क्या नाम कह रहे हैं, दो तरह के बिरहोर समुदाय फेमस है। बिरहोर के अंदर भी क्या है, दो कैटेगरी है, एक का नाम उल्थू और दूसरे का नाम जांघी या थनिया। बिरहोर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, देखिएगा, पहले समझना है फिर लिखना है। बिरहोर जनजाति को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, दो। एक का नाम क्या दिए, उल्थू,
दूसरे का नाम जांगी या क्या हो गया थनिया, जांगी या फिर थनिया, कई बार थानिया भी बोलते हैं। उल्टू कहने का मतलब यह है घुमंतु बिरहोर। उल्टू बिरहोर कौन होते हैं? घुमंतु, जो लगातार क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहेंगे। और जांगी या थानिया बिरहोर कौन होगा? पूरा स्थायी तो नहीं, पर 5 साल 10 साल तक एक ही जगह पे रहेंगे। 5 साल 10 साल तक क्या रहेंगे? एक ही स्थान पे निवास करेंगे। एक ही स्थान में निवास करने वाले कौन है? जांगी या थनिया, है ना। तो बिरहोर का दो भाग, एक उल्टू और दूसरा जांगी। उल्टू मतलब घुमंतु और जांगी या थनिया मतलब एक ही जगह पर निवास करने वाले। तो कितना ग्रुप बिरहोर का? दो। चलिए जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। बिरहोर जनजाति जिस कस्बा में निवास करते हैं उसको ये लोग टंडा कहते हैं। मतलब अपने गांव को बोल सकते हैं, कस्बे को बोल सकते हैं, क्या कहलाता है? टंडा कहलाता है। लिखिए, बिरहोर जनजाति के गांव या कस्बा, बिरहोर लोग का गांव बोल लीजिए या फिर कस्बा बोल लीजिए, गांव या कस्बा क्या कहलाता है? टंडा कहलाता है। गांव या कस्बा क्या कहलाएगा? टंडा कहलाएगा। अब लिख लेना है, बिरहोर जनजाति के गांव या कस्बे को क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। और इन लोगों का जो घर होता है ना, झोपड़ी होता है। एक्चुअली इनका जो घर होता है वेल डेवलप घर नहीं होता है। मतलब घर में आज भी जो हम लोग पुआल से बनाते हैं, ताड़ का जो डाली हुआ उसको काट के घर बना लिए, उस तरह से घास फूस से क्या बनाया जाता है? छत बनाया जाता है। तो इनके घर को कुंबा कहा जाता है। क्या कह रहे हैं हम? कि बिरहोर जनजाति के जो घर होते हैं वो झोपड़ी नुमा होते हैं। लिखेंगे घर कैसा है? झोपड़ी नुमा, मतलब कुटिया बोल सकते हैं, झोपड़ी नुमा। अर्थात देखिए, झोपड़ी नुमा अर्थात घरों के छत, झोपड़ी नुमा होते हैं अर्थात घरों के छत, जो घर बना हुआ है उसका छत घास फूस और पेड़ों के टहनी से। बिरहोर जनजाति के घर कैसे होते हैं? झोपड़ी नुमा अर्थात घर कैसे बने हैं? घर के छत घास फूस और पेड़ों के टहनी से बने होते हैं। घास फूस और पेड़ों के टहनी, एकदम पेड़ों के टहनी से बने होते हैं। फिर से बोले, क्या कह रहे हैं हम लोग? कि बिरहोर जनजाति के घर कैसे होते हैं? झोपड़ी नुमा अर्थात इसके घर घास फूस और पेड़ों के टहनी से बने होते हैं। इसी कारण इस झोपड़ी नुमा घर को कुंबा कहा जाता है। इसी कारण इस झोपड़ी नुमा घर को क्या कहा जाता है? कुंबा कहा जाता है। झोपड़ी नुमा घर को बिरहोर लोग क्या कहते हैं? कुंबा कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि बिरहोर जनजाति के, नेक्स्ट पॉइंट, बिरहोर जनजाति के
गांव के मध्य में, बिरोर जनजाति के गांव के मध्य में दो छोटी छोटी, बिरोर जनजाति के गांव के मध्य में दो छोटी छोटी झोपड़ियां, दो छोटी छोटी झोपड़ियां बनी होती है, मतलब दो कुंभा बना हुआ रहता है। गांव के मध्य में दो छोटी छोटी झोपड़ियां बनी होती है या दो कुंभा बना होता है, जिसे युवा गृह, क्या देखते हैं हम लोग, युवा गृह। और क्या कहता है युवा गृह को, गीती ओड़ा, जिसे युवा गृह कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति में युवा गृह को गीती ओड़ा कहते हैं। बिरहोर जनजाति में युवा गृह को क्या कहते हैं, गीती ओड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, गीती ओड़ा। तो दो क्यों बना हुआ है, एक गर्ल्स के लिए और एक बॉयज के लिए। यानी युवा गृह जो गीती ओड़ा होता है, इसका भी दो टाइप है, एक झोपड़ी किसके लिए, बॉयज के लिए, और एक झोपड़ी गर्ल्स के लिए। बॉयज लोग को क्या कहा जाता है, धोंधा। उन लोग को धोंधी। ऐसा नहीं करना है, क्या लिखना है, बॉयज वाला को कहते हैं डोंडा कांठा। ढोंडा हो गया ना, ढोंडो या डोंडा कांटा। क्या कहा जाता है, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है। और फीमेल वाला को कहा जाता है, यानी गर्ल्स वाले को क्या कहा जाता है, ऐसे लिख लीजिए, डिंडी कांटी। तो बिरहो जनजाति में युवा गृह का दो पार्ट, जैसे किसमें था, उराव में था, धूमकोड़िया का दो पार्ट, झोंकेड़पा और पेलड़पा, वैसे गीती ओड़ा का भी दो पार्ट है, इसमें डोंडो कांठा और डिंडी कांठी, ये दो पार्ट में क्या है, विभक्त होता है। लिख लीजिए, एक बॉयज के लिए है और एक गर्ल्स के लिए है। हो गया। अब लिखेंगे पेशा, बिरहोर जनजाति का मुख्य पेशा। ये आदिम जनजाति है ही क्यों, क्योंकि ये कहीं कहीं आज भी कर रहा है, खेती बाड़ी नहीं कर रहा है, खेती बाड़ी से भी पीछे है। अगर खेती बाड़ी करने लगता तो धीरे धीरे क्या होता, डेवलपमेंट होता, एग्रीकल्चर में आगे आता, तो समाज से जुड़ता, उतना ही खेती करता है जिससे एक टाइम का खाना मिल जाए, उतना ही खेती करेगा। तो उस तरह के खेती को हम लोग क्या कहेंगे, झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आज यहाँ खेती किए कल वहां की। और झारखंड में झूम खेती को क्या कहा जाता है, कुरवा कहा जाता है, याद रखेंगे, साइड में लिख लेंगे नोट करके, ये बिरहोर का नहीं है, नोट करके लिख लेना है कि झारखंड में झूम खेती को, हमारे झारखंड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम खेती को क्या कहा जाता है, कुरवा कहा जाता है। झारखंड में झूम खेती को क्या कहते हैं, कुरवा कहते हैं। पूरे दीपा छत्तीसगढ़, झारखंड में झूम खेती को क्या कहते हैं, कुरवा कहते हैं। बिरहोर जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, तीन लोग का मुख्य पेशा है, पहला तो शिकार करना, जंगल का आदमी है तो क्या करेगा, शिकार करेगा। लेकिन शिकार करने से क्या साल भर चलेगा, कुछ ना कुछ करने होगा, यानी ये लोग वनो उत्पाद पर निर्भर है। वनो उत्पाद मतलब वनों से मिलने वाला उत्पाद, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। जैसे लकड़ी मिला, काट के बेच दिया, पैसा आ गया, जड़ी बूटी हुआ, क्या हो गया, माइनर फर्स्ट प्रोडक्ट, लहा हुआ, अमरूद हुआ, बैर हुआ। और खास तौर पे ये लोग एक चीज में माहिर है, वो हनी।
मधुमक्खी, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसको तोड़ तोड़ के हनी को लाके मार्केट में क्या होता है, बेचता है। क्या बोले हम लोग कि वनो उत्पाद में सबसे ज्यादा किस पे लोग माहिर होते हैं, शहद। लिखेंगे कि इस जनजाति के लोग जंगलों से मधुमक्खी के शहद को, इस जनजाति के लोग जंगलों से मधुमक्खी के शहद को एकत्रित कर बाजार में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। मधुमक्खी के शहद को एकत्रित कर बाजार में बेच देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब लिखेंगे बिरहोर जनजाति के विवाह पद्धति। यहां से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। बिरहोर जनजाति के विवाह पद्धति, सबसे पहला पॉइंट समगोत्रीय विवाह निषेध है। क्या निषेध है, समगोत्रीय विवाह, मतलब एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता है। क्लियर। दूसरा क्या लिखेंगे, एकल विवाह का प्रचलन है, मतलब इन जनरली कितना विवाह कर सकते हैं, एकल विवाह। अच्छा, इससे पहले एक जनजाति में बहुविवाह बताए थे, किसमें बताए थे, किसका प्रचलन है, एकल विवाह का। इसमें भी विवाह को एक तरह से क्या कहा जाता है, बपला ही कहा जाता है। जनजातीय में जनरली हम लोग बपला वर्ड इसलिए जोड़ लेते हैं, संथाल सबसे ज्यादा है और संथालों में क्या बोलते हैं, बपला कहते हैं विवाह को, तो हर जगह क्या जोड़ देते हैं हम लोग, बपला जोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें सबसे फेमस विवाह क्या है, किरिंग बपला, संथालों में भी था और इसमें भी क्या होगा, किरिंग बपला। कुछ लोग इसको किरिंग जवाई बपला भी बोलते हैं, किरिंग जवाई बपला। ये मतलब क्या हो गया, आयोजित विवाह। इसका मतलब ये क्या हो गया, आयोजित विवाह, राजी खुशी विवाह। और राजी खुशी में किसका राजी खुशी जरूरी है, घर वाले का, है ना, आयोजित विवाह। खड़िया समाज पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक समाज है तभी तो एक से अधिक विवाह कर सकता है। अभी आएंगे आएंगे आएंगे, अभी आ रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ का व्यवस्था होगा ना, नहीं पितृ भी होगा और मात्र सत्तात्मक भी होगा। खैर, क्रीम जमाई बेपला कैसा है, आयोजित विवाह। दूसरा फेमस विवाह कौन है, सदर बापला यानी क्रय विवाह। दूसरा क्या लिखिए, क्रय विवाह। क्रय विवाह को क्या कहा जाता है, सदैव बापला या सदर बापला। ये हो गया क्रय विवाह। अब जिससे पूछेंगे वही जवाब देंगे, बाकी लोग एकदम शांत। कौन जवाब देंगे, पूछते किससे हम लोग, इधर वाला से पूछ लेते हम लोग आपसे, क्रय विवाह का क्या मतलब हुआ, बैठो बैठो, क्रय विवाह का क्या मतलब है। बिल्कुल नहीं, वेरी गुड, बोलिए बोलिए, वो किसमें था, आयोजित विवाह में था। किसी समाज में आयोजित विवाह फेमस हो सकता है कि क्रय विवाह ही क्या है, सबसे फेमस विवाह है। हम यहां पे कह रहे हैं कि क्रय विवाह का एक्चुअल में मतलब क्या है, वधु मूल्य दिया जाएगा, क्रय करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्रय करना पड़ेगा। क्रय विवाह का कहने का मतलब इसमें क्या दिया जाएगा, वधु मूल्य मिलेगा, क्या देना पड़ेगा, वधु मूल्य। और इधर वाले लोग बताएंगे कौन, चलिए आप बताइएगा, हाँ जिसके हाथ में पेन है आप ही, वधु मूल्य को मतलब, वधु मूल्य क्या होता है,
वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दिया जाने वाला राशि या मूल्य। तो इस जनजाति के लोग वधु मूल्य को क्या कहते हैं? डाली टका कहते हैं। क्या लिखेंगे? कि बिरहोर जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? डाली टका। यस, डाली टका। क्या कहते हैं इसको? डाली टका। अब वधु मूल्य क्या होता है? तो वर पक्ष के ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? डाली टका या वधु मूल्य कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या था? प्रेम विवाह। या प्रेम विवाह को हम लोग क्या नाम दिए थे? सहपलायन विवाह, मतलब भाग के शादी कर लेना वाला। कौन सा विवाह है? सहपलायन विवाह, मतलब लड़का लड़की अपने घर वाले के मर्जी के खिलाफ प्रेम प्रसंग में क्या कर लेंगे? विवाह कर लेंगे। हाँ, इसी का नाम है सहपलायन विवाह। इसको खड़िया जनजाति, सॉरी, इसको बिरहोर जनजाति में क्या कहा जाता है? उद्रा उद्री विवाह। उद्रा उद्री विवाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि बिरहोर जनजाति में सहपलायन विवाह को क्या कहते हैं? उद्रा उद्री विवाह। कैसा विवाह? उद्रा उद्री विवाह। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा विवाह है? तो नेक्स्ट है हट विवाह। नेक्स्ट कौन सा विवाह लिखेंगे? हट विवाह। अब जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे, है ना? हट विवाह। हट विवाह के बारे में हमको जानकारी देंगे कौन? आप। इधर। हट विवाह मतलब क्या होता है? हाँ, हट किसके द्वारा किया जाएगा? लड़की के द्वारा। वेरी गुड। और हट विवाह को बिरहोर जनजाति के लोग क्या कहते हैं? बोलो बापला। लिखना है हट विवाह को क्या कहते हैं? बोलो बापला। ढुकू किसमें था? ढुकू चोल की। ढुकू विवाह खड़िया में, बताए थे ना ढुकू विवाह। इसको क्या नाम दिए? बोलो बापला। बोलो बापला। हो गया। कौन सा बापला? बोलो बापला। एक होता है बेंकड़ी विवाह। बेंकड़ी ये सदान समाज में ही प्रचलित है। बेंकड़ी विवाह लोक कथा में खूब सुनिएगा। बेंकड़ी विवाह होता क्या है? जनरली क्या होता है, दूल्हा घर से क्या आता है? बारात आती है और दुल्हन के घर में आके खूब खाना पीना नष्ट करके चला जाता है। जनरली बारात आके करता तो यही है। बेंकड़ी क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कि विवाह तो होगा, किसके घर में होगा? लड़के के घर में होगा। लड़की अपने आप कहां जाएगा? लड़का का घर। और लड़के पक्ष के ही पैसा से खर्चा से क्या होगा? पूरा विवाह होगा। उसको क्या कहा जाता है? बेंकड़ी विवाह। और बेंकड़ी विवाह का संबंध किस जनजाति से बोलेंगे हम लोग? बिरहोर जनजाति में। ऐसे धनबाद बोकारो तरफ जाइएगा ना तो आपको जो नॉर्मल समाज है इसमें भी होता है बेंकड़ी विवाह। मुन्ना ही देखने को मिलेगा आपको। मतलब ये विवाह थोड़ा सा क्या है कि विवाह जो पूरा का पूरा खर्चा कौन उठाएगा? लड़का पक्ष। उसमें मतलब बारात नहीं आएगा, इधर से सारे लोग चले जाएंगे पहले ही, और वहीं जाके क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। क्या नाम देना है? बेंकड़ी विवाह। बेंकड़ी विवाह। कौन सा लोक कहानी में कृष्णा इसका उल्लेख है? खोटक के किस लोक कहानी में बेंकड़ी विवाह का उल्लेख है? लोक कथा पढ़ना है ना आप लोग को खोटा में, तो कोई एक मतलब लोक कथा पढ़िएगा। नहीं, जिसमें कन्या रहती है जो बहुत ही क्या रहता है, एकदम तेज तरार रहता है,
पूरा गांव वाला उसको क्या पहली में जवाब देता है। हाँ, तो जिसमें बैंकड़ी विवाह होता है उसमें उनके पिताजी यही शर्त रखते हैं कि अगर मेरे बेटी को कोई समझदारी में हरा दिया तो विवाह का खर्च हम उठाएंगे, और अगर कोई नहीं हरा पाया तो मेरे बेटी के पसंद के लड़के से शादी होगा। और कैसा विवाह होगा? बैंकड़ी विवाह। बैंकड़ी मतलब सारा खर्चा लड़का पक्ष वाला उठाएगा। हाँ ठीक है, लिख लीजिए बैंकड़ी विवाह। लिखिए इसमें, इस विवाह में बारात का कोई प्रावधान नहीं होता है। इस विवाह में बारात का कोई प्रावधान नहीं होता है। इस विवाह में बारात का कोई प्रावधान नहीं होता है। लुइगर बेटी छौवा, हाई कहानी है ना। बारात का कोई प्रावधान नहीं है। लिखिए, लड़की का विवाह लड़के के घर में, लड़की का विवाह लड़के के घर में होता है एवं सारा खर्चा, लड़की का विवाह लड़के के घर में होता है एवं सारा खर्चा किसके द्वारा? वर पक्ष के द्वारा उठाया जाता है। तो तभी होगा जब आप तेज तरार होंगे, है ना। इधर वाला लोग मान ले नौकरी ले लिया तो उसके बाद बैंक कड़ी विवाह कर सकते हैं। सामने वाला सोचेगा चलो खर्चा कर देते हैं, नहीं सोचेगा ऐसा, सब शांत हो गया, नहीं करना ना। क्या? अच्छा डाली टका लेना होगा, हो गया। एक और विवाह बताए थे, हरण विवाह। इसको हम लोग मैरिज बाय कैप्चर भी कहते कि मेले में बाजार में पसंदीदा लड़की से क्या कर लेना, जबरन शादी कर लेना। बिरहोर जनजाति में हरण विवाह को क्या कहा जाता है? सिपुंदुर विवाह कहा जाता है। क्या बताए थे कि मेले में बाजार में हटिया में अपना पसंदीदा लड़की को क्या लगा देना? सिंदूर लगा देना, जबरदस्ती लगा देना। तो नाम क्या याद कर लेंगे? सिपुंदुर। बिरहोर जनजाति में हरण विवाह क्या कहा जाता है? सिपुंदुर विवाह। कौन सा विवाह कहा जाता है? सिपुंदुर विवाह। सिपुंदुर विवाह। हाँ क्या नहीं, अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो सामाजिक मान्यता नहीं मिलेगा। फिर सामाजिक मान्यता नहीं मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? उसको समाज से बहिष्कार हो सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। संथालों में क्या है? बिटलाहा जैसे है। बिरहोर में सारे के सारा विवाह किसमें है? बिरहोर में। बिरहोर में हरण विवाह को क्या कहते हैं? सिपुंदर विवाह। बिरहोर में हट विवाह को क्या कहते हैं? बोलो बापला। कौन सा बापला? चलो, और एक लास्ट क्या होता है? विनिमय विवाह। इसको यहां भी क्या कहेगा? गोलट बापला। गोलट मतलब एक्सचेंज, विनिमय विवाह। बताए थे ना। कौन इसका आंसर हमको अच्छे से बताइएगा? आप ही बताइए। हाँ, आप ही तो हाथ उठाए थे, बताइए किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, विनिमय विवाह क्या होता है? हाँ एकदम सही बोल सकते हैं, दुल्हा दुल्हन का अदला बदली। क्या ऐसे ही ना, जिस घर से दुल्हन आएंगे उसी घर में एक दुल्हन जाएंगे भी। बोलो। हाँ क्या कहते हैं? काढ़ू। तो लिख लेना काढ़ू। हाँ हाँ काढ़ू बोला जाता है। अच्छा बैंकड़ी को याद रख लेंगे। नहीं 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 नहीं, धनबाद बोकारो साइड में क्या कहा जाता है? काढ़ू कहा जाता है। लिख लो, क्या पता पूछ लिया कि काढ़ू विवाह कैसा विवाह होता है। याद रहेगा ना कम से कम, ये काढ़ू कैसा विवाह होता है? विनिमय विवाह लिख लिए। क्या कहते हैं इसको हम लोग? गोलट बापला। गोलट बापला। कौन सा बापला? गोलट बापला। विवाह के पश्चात
बिरहोर जनजाति में एक विशेष प्रकार का चित्रकारी होता है और उसे कहा जाता है कोहोवर। क्या कह रहे हैं हम लोग कि विवाह के पश्चात बिरहोर जनजाति में एक विशेष प्रकार का क्या होता है, चित्रकारी होता है। इस चित्रकारी का नाम क्या है, कोहोवर। कोहो मतलब क्या होता है, गुफा, और वर मतलब दुल्हा। हाँ क्या डाउट है, दोनों को मिला है खल छोरा लिया हुआ है, दोनों 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 को मिला है, कोहोवर को भी मिला है और सोराय को भी मिला है। अच्छा तो ए एंड बी बोथ हो जाएगा आंसर। अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं दिया जाएगा। तो कोह का मतलब क्या हो गया, गुफा, और वर का मतलब दुल्हा। तो ये चित्रकला किस जनजाति में फेमस है, बिरहोर जनजाति में। किस जिला में फेमस है, धनबाद ग्रेडी मेनली हजारीबाग। मेनली किस क्षेत्र में, हजारीबाग क्षेत्र में। क्या लिखे हम लोग, ये जो कोहोवर चित्रकला है इसका आयोजन कौन करेगा, विवाह पश्चात जो नया जोड़ी आएगा, नव जोड़ी के द्वारा क्या किया जाएगा, इस चित्रकला का आयोजन किया जाएगा। लिख लीजिए कि विवाह के पश्चात नव जोड़ी द्वारा, विवाह के पश्चात नव जोड़ी द्वारा, विवाह के पश्चात नव जोड़ी द्वारा घर के आंगन में विवाह के पश्चात नव जोड़ी द्वारा घर के आंगन में इस चित्रकला का आयोजन होता है, मतलब इस चित्रकला को बनाया जाता है, आंगन में बनाते हैं। लिखिए, इसमें स्त्री पुरुष के, लिखते चलिएगा, इसमें स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंध का, स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंध का चित्रण किया जाता है, स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंध का चित्रण किया जाता है। और किसका चित्रण होगा, सिक्की देवी। इस चित्रकला में एक देवी का चित्र बनाया जाता है, कौन सी देवी, सिक्की देवी। लिख लेंगे कि कोहोवर चित्रकला में किसका मतलब चित्रण किया जाता है, सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, सिक्की देवी। कोहोवर चित्रकला में किनका चित्रण होता है, सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, कोहोवर चित्रकला किस जनजाति में फेमस है, बिरहोर जनजाति। जब भी विवाह होने के पास नव जो दंपति आएंगे वो घर के आंगन में क्या करेंगे, एक चित्रण करेंगे, और इसमें कौन सा देवी का चित्रण होगा, सिक्की देवी का चित्रण होगा। आगे लिखते हम लोग, बिरहोर जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है, सिंह बोंगा। बिरहोर जनजाति का सबसे प्रमुख देवता कौन है, सिंह बोंगा। सबसे प्रमुख देवता कौन है, सिंह बोंगा। सिंह बोंगा निकली है। चलिए अब लास्ट लाइन नोट करके लिख के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, इसे नोट में लिखवा दे रहे हैं। लिखिए कि बिरहोर जनजाति में गांव का प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक
एवं अच्छा एवं मत लगाओ, प्रशासनिक आर्थिक एवं न्यायिक विरोध जनजाति में गांव का प्रशासनिक आर्थिक एवं न्यायिक संचालन का कार्य, न्यायिक संचालन का कार्य नाए द्वारा किया जाता है। मतलब बिरहो जनजाति का गांव का हेड कौन होता है? नाए होता है। नाए एक पोस्ट का नाम है। बिरहो जनजाति में पूरे गांव का हेड कौन होता है? नाए होता है। संचालन कौन करेगा इसका? नाए करेगा। बिरहो जनजाति में गांव का संचालन कौन करता है? नाए करता है। क्लियर। तो किस जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ लिए? बिरहो जनजाति। बिर का मतलब क्या होता है? होर का मतलब। तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी। कहाँ का आदमी? बिरहोर कैसा है? आदिम जनजाति है जो धीरे धीरे क्या हो रहा है। बिरहोर जनजाति किस प्रमंडल में पाए जाते हैं? बिरहो जनजाति के बारे में हम लोग क्या देखें? इसका संकेंद्रण किस जिला में है? हजारीबाग जिला में। अच्छा, बिरहो जनजाति का जो गांव होता है वो क्या कहलाता है? गांव या पंचायत क्या कहलाता है? उसका घर क्या कहलाता है? पूरा टाइल्स मार्बल वाला घर होता है क्या? कैसा घर होता है? पेड़ के टहनियों से बनाया जाने वाला झोपड़ी नुमा घर। गांव के बीचों बीच दो झोपड़ी होता है, उसे क्या कहा जाता है? युवागिरी। क्या कहा जाता है? बिरहो जनजाति के लोग युवागिरी को क्या बोलते हैं? एक होता है मेल के लिए, एक होता है फीमेल के लिए। क्या क्या नाम बताए थे? डोंडो कांटा और डिंडी कांटी, है ना। फिर हम लोग क्या देखे? बिरहो जनजाति का सबसे प्रमुख देवता, बिरहो जनजाति का सबसे मेन काम वनोत्पाद पर निर्भर, शहद वगैरह लाकर अपना जीवन यापन करना, है ना। फिर हम लोगों ने क्या देखा? बिरहो जनजाति भी दो तरह का है। कौन कौन? उल्थू मतलब क्या हो गया? घुमंतु। दूसरा क्या हो गया? जांगी या थानिया, जो क्या करेगा? एक ही जगह पर निवास करेगा, है ना। चलो, अच्छा बिरहो जनजाति में गांव का संचालन कौन करता है? नाए करता है। बिरहो जनजाति में बधुमूल्य को क्या कहते हैं? डाली टका। बिरहो जनजाति की भाषा क्या है? बिरहोरी भाषा। कौन सा भाषा? बिरहोरी भाषा किस परिवार से है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। अच्छा, जो बिरहोरी हमारा भाषा है या बिरहो जनजाति, वो किस समुदाय से बिलोंग करता है? कौन सा प्रजाति? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। चलो, बिरहो जनजाति में विवाह का बताए थे सबसे ज्यादा कौन सा होता है? किरिंग जमाई। किरिंग जमाई बपला आयोजित विवाह है। क्रय विवाह को क्या कहते हैं? विनिमय विवाह को गोलट या गुवट बापला, है ना। गोलट बापला किसको बोलते हैं? विनिमय विवाह को। हड विवाह को बोलो बापला। हरण विवाह को सिपिंद्री विवाह कहते हैं। आगे हम लोग बताए थे कि बिरहो जनजाति में एक चित्रकला फेमस है, कौन सा? कोह का मतलब, बर का मतलब। इसमें कौन सी देवी का चित्रण होगा? सिक्की देवी। इनका चित्रण होगा? जो भी नव जोड़ा होते हैं वो घर के आंगन में किसका चित्रण करता है? सिक्की देवी का चित्रण करता है। हाँ, आंगन में। आंगन में पहले तो वाल में होता था, अब धीरे धीरे कहाँ होने लगा है? घर के आंगन में भी होने लगा है। ट्रांसफर होते जा रहा है, जितना इजीएस्ट फॉर्म में जा सके हम लोग। अब धीरे धीरे जो भी टफेस्ट काम में कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग? इजी फॉर्म में लेके जा रहे थे। देखी जाता गायब होने लगा ना, मिक्सर आ गया, स्विच दबाए तैयार, वो भी खत्म हो गया। अब क्या बोलते हैं इसको? सिलवट। जो सिलवट्टा का काम होता था, धीरे धीरे क्या हो गया है? गायब हो गया है। पिक्चर आ गया, लगाओ स्विच, खाना रेडी। धीरे धीरे क्या हो रहा है? रेडी हो रहा है। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो जनजाति पढ़ेंगे वो है माल पहाड़िया और सोरैया पहाड़िया। लगाएंगे हेडिंग माल पहाड़िया एवं सोरैया पहाड़िया।
काल पहाड़िया और सुरैया पहाड़िया। माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया। कॉमन एक दो टर्म को हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, माल पहाड़िया अलग और सोरिया पहाड़िया अलग। लेकिन दोनों के दोनों ही क्या है, आदि बन जाती है। माल पहाड़िया और सोरैया पहाड़िया दोनों ही क्या है, आदिम जनजाति है, मतलब पीवीटीजी है। ये दोनों के दोनों किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, संथाल परगना के क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोनों ही किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, संथाल परगना क्षेत्र में पाए जाते हैं। दो अलग अलग ग्रुप है, एक है माल पहाड़िया एक है सोरैया पहाड़िया। हाँ, संथाल परगना में पाया जाता है, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। संथाल परगना या फिर क्या लिख लिया हम लोग, राजमहल पहाड़ी। यहां से एक सवाल और पूछ लेगा आपको कि राजमहल पहाड़ी का सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, तो माल पहाड़िया और सोरैया पहाड़िया। क्वेश्चन को इसे तोड़ के भी पूछ सकता है, झारखंड का प्राचीनतम जनजाति असुर, लेकिन संथाल परगना का प्राचीनतम जनजाति माल पहाड़िया या फिर सोरैया पहाड़िया, दोनों एयर भी बोथ होगा, पहाड़िया जनजाति होता है एक्चुअल में, फिर क्या होगा माल पहाड़िया और सोरैया पहाड़िया। आप लोग जानते होंगे, एक नाम सुने होंगे मेगस्थनीज, नाम सुने होंगे। मेगस्थनीज ने एक फेमस किताब लिखा था, क्या नाम था, इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका। ऐसा कहा गया है कि इस इंडिका में भी माल पहाड़िया और सोरैया पहाड़िया जनजाति का चर्चा किया गया है। क्या कहा गया है कि राजमहल पहाड़ी में कौन से जनजाति रहते हैं, मल्ली और सौरी। कौन सा जनजाति है, मल्ली और सौरी। तो मल्ली वर्ड कहीं ना कहीं माल पहाड़िया के लिए और सौरी वर्ड सोरैया पहाड़िया के लिए किसमें यूज किया गया है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका, और इंडिका में क्या लिखा गया है, मल्ली और सौरी जैसा शब्द पाया गया है। मल्ली किसके लिए, माल पहाड़िया के लिए, और सौरी किसके लिए, सोरैया पहाड़िया के लिए। दो वर्ड याद रहेगा, चलो मल्ली और सौरी। आगे बढ़े, ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र है दुमका वाला एरिया, उसके लिए प्राचीन समय में एक वर्ड यूज होता था बमाको। क्या लिखेंगे कि प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र में, प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र में, या संथाल परगना क्षेत्र के लोगों को, संथाल परगना में कौन रहता, पहाड़िया लोग, जनजातीय लोग। प्राचीन काल में संथाल परगना के क्षेत्र के लोगों को, प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र के लोगों को बमाको, क्या कहा गया है, बमाको कहा गया है। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र के लोगों को क्या कहा गया है, बमाको कहा गया है। क्या हो गया, क्या प्रदेश है ना, सौरी, तो सौरी प्रदेश, सौरियों का रहने वाला, संथाल तो संथाल परगना, याद रहेगा।
फिर तो हम लोग पढ़ेंगे ह्वेन सांग भाई साहब आए थे, वो संथाल परगना को किचिंग काइला बोले थे, एक चीनी यात्री है ह्वेन सांग, है ना, वो झारखंड को क्या, सॉरी संथाल परगना क्या बोलता है, किचिंग काइला। और इधर वाला जो छोट नागपुर का पठार है इसको कहता है किलो ना सुफलाना। क्या कह रहे हैं, एक चीनी यात्री था, चाइना का इंसान था, नाम क्या था, ह्वेन सांग। ये हर्षवर्धन के समय काल में आया था, ये हम लोग के झारखंड को इधर वाले को क्या कहा था, कि लो ना सु फ लाना। चाइनीज वर्ड है, चाइनीज वर्ड क्या, कि लो ना सु फ लाना। और इन्होंने यही ह्वेन सांग ने राजमहल को क्या कहा था, किचिंग काइला। राजमहल क्षेत्र के लिए संथाल परगना के लिए कौन सा वर्ड, किचिंग काइला। किचिंग काइला, नाम सुन के लग रहा है कैसा नाम है। पूरा झारखंड बोलिए या फिर छोटा नागपुर के लिए, झारखंड के लिए ही लिख लीजिए, झारखंड के लिए क्या बोल रहा था, किलो ना सुफलाना। और हम लोग के राजमहल के लिए किचिंग काइला वर्ड का यूज किया गया था, किचिंग काइला। कौन बोलता था, ह्वेन सांग। ह्वेन सांग जिस किताब को लिखा था जिसमें ये सब लिखा हुआ है उस किताब का नाम है सी यू की, चाइनीज नेम है ना। ह्वेन सांग का जो ट्रेवल किया, जो यात्रा किया था, जिस बारे में वो लिखा था उस यात्रा वृत्तांत का नाम ही क्या था, सी यू की, सी यू की। हाँ, यात्रा वृत्तांत है, इससे संबंधित एक किताब है, किताब का नाम क्या है, सी यू की। और पूरे झारखंड को क्या बोला, की लो ना सुफलाना। और राजमहल को हमारा किचिंग काइला, किचिंग काइला। इसका मतलब कन कन में सोना, क्योंकि हमारे यहां पर कौन सा नदी था, स्वर्ण रेखा नदी, इसका मतलब होता है कर्ण सुवर्ण, कर्ण सुवर्ण। क्या कहा जाता है इसको, कर्ण सुवर्ण। किसे कहा जाता है, किलो ना सुफलाना। क्लियर, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।